नमस्ते। सो आज हम जानेंगे कि हमारे इंक्वायरी मॉड्यूल के अंदर जो हमारा ऑप्शन है असाइंड इंक्वायरीज, वो कैसे काम करता है। तो असाइंड इंक्वायरीज में क्लिक करते ही सबसे पहले आपको दिखाता है असाइंड इंक्वायरीज। सो बेसिकली जैसे हमारे पास सिस्टम में डैशबोर्ड और ऑल इंक्वायरी डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर वो इंक्वायरीज दिखती है जो आपने ऐड की हो, और ऑल इंक्वायरी में सभी के द्वारा ऐड की हुई सारी इंक्वायरीज को टोटल में देख सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास असाइंड इंक्वायरीज के अंदर भी ऑप्शन है। ऐसी इंक्वायरीज जो आपने किसी को असाइन की है, आपने लेवल 1 में या लेवल 2 में आपने किसी को असाइन की हुई इंक्वायरीज है, तो उन इंक्वायरीज का लिस्टिंग आपको यहाँ पे दिखेगा। और ऑल असाइंड इंक्वायरीज में दिखता है वो लिस्टिंग जो टोटल असाइन इंक्वायरीज है, चाहे फिर आपने की हो या किसी और ने वो इंक्वायरीज को असाइन किया हो। पर आपको कभी भी आपकी खुद की असाइंड इंक्वायरीज देखनी है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसी लिस्ट को आप चाहो तो एक्सेल या PDF में कन्वर्ट करके डाउनलोड कर सकते हो, और हर एक इंक्वायरी जो आपने किसी को असाइन की होगी वो इंक्वायरी किसी ने अप्रूव की है या नहीं या पेंडिंग के स्टेटस में, वो भी आपको हर एक इंक्वायरी के बाजू में पता चल जाएगा। और अगर उसके नाम पर क्लिक करो तो आपको उस इंस्टीट्यूट की प्रोफाइल में भी लेकर जा सकते हैं, जहाँ से आप खुद भी चाहो तो इन इंक्वायरी को ट्रांसफ़र कर सकते हो और उस इंक्वायरी पे वर्क कर सकते हो। सो इस तरह से असाइंड इंक्वायरी वाला जो पेज है वहाँ से इंक्वायरीज असाइन होती है। थैंक यू।